अहंकार ना नरेंद्र मोदी जी का रहा, ना भाजपा का रहा, ना ही आरएसएस का रहेगा और ना ही आपका रहेगा। हिंदू मुसलमान आप हमेशा करते रहे, आपने कभी देश की एकता अखंडता की बात नहीं की, आपने कभी सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं की, आप सांप्रदायिक विभेद की बात करते हैं। देश में महंगाई पर आप कभी नहीं बोले, देश में मजदूरों की समस्या पर आप कभी नहीं बोले, देश में किसान आंदोलन हुआ 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आप नहीं बोले। अब भारतीय जनता पार्टी जब आपको त्याग रही है और उसने स्पष्ट कह दिया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि अब उन्हें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, तब आप इधर उधर चिल्ला रहे हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, जनता के हितों की बात कीजिए, अपने हितों की नहीं। अब इस समय बहुमत जो है उनके पास दिखाई दे रहा है, तो वो जिसको चाहेंगे स्पीकर बनाएंगे। लेकिन हम इंडिया ब्लॉक वाले आगाह जरूर करना चाहते हैं, अगर टीडीपी को और जेडीयू को अपनी पार्टी बचानी है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें हमारी बातों पर विचार करना चाहिए और उचित फैसला लेना चाहिए। बाकी वो उनका आंतरिक मामला है, वो कैसे करते हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।